तो गाइस एक बार फिर आ चुके हैं हम PZ बाइकर्स पॉइंट पे कावासाकी निंजा 300 को लेकर। आज हम इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं LED मिरर जो कि विंग टाइप में आते हैं। हमारे साथ है सर्वेश भाई, इस बाइक के ओनर। हेलो कर दो। हेलो। और फटाफट से अनबॉक्सिंग भी कर दो। क्या बात है भाई। अच्छा ये छोटे वाले हैं? छोटे वाले हैं। सो गाइस ये है कुछ हमारे विंग मिरर जिसमें यहाँ पर आपको LEDs भी देखने को मिल रही है। एंड नो डाउट बहुत ही अच्छा हार्ड मेटल है ये, CNC मेटल है। प्लस ये फोल्ड भी हो जाता है कुछ इस तरीके से ताकि आप मिरर यूज़ कर पाए, और ये इस तरीके से बन जाते हैं विंग्स। फटाफट से प्रोसेस शुरू करते हैं और इस बाइक में इंस्टॉल करते हैं। हमारे साथ है समीर भाई, हेलो कर दो। यहाँ पर ऑलरेडी इन्होंने प्रोसेस शुरू कर दिया है। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले यहाँ पर नंबर प्लेट होल्डर निकालनी है, उसके बाद एलन कीज को यहाँ से हटा के मिरर्स के क्लैंप यहाँ से निकाल लेना, दैट्स इट। सो गाइस साथ ही में आपको यहाँ पर दो वायर्स देखने को मिल रही है जो इंडिकेटर से कनेक्ट हो जाएगी, एंड उन्हीं के साथ में यहाँ पर रबड़ के क्लैंप्स जो कि आप अपनी बाइक्स के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। एक बार ये लुक चेकआउट करो यार, पूरा पूरा खाली कर दिया हमने इसको। मीनवाइल हमने यहाँ से सारे के सारे साइड पैनल्स को निकाल लिया है, जस्ट बिकॉज हमको फ्रंट वाले एरिया से पीछे तक इंडिकेटर्स की वायर पास करनी है जो कि इस वाले एरिया में कहीं पर आकर लगेगी। सो गाइस इंडिकेटर का कपलर यहाँ पर बाहर आ चुका है। अब हम इस वाले कपलर के अंदर में ये दो वायर्स को इंस्टॉल कर रहे हैं ताकि फिर इन दोनों वायर से हम अपने इंडिकेटर्स को कनेक्ट कर पाए। एंड एज यू कैन सी यहाँ पर हमने कुछ भी कट नहीं किया है, ये दोनों के दोनों वायर एक्सटेंशन है और हमारा ओरिजिनल कपलर टोटल ओरिजिनल है। सो गाइस इन वायर से हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है अपना मिरर, एंड एज यू कैन सी दोनों साइमल्टेनियसली प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। बस थोड़ा सा लाइट का फर्क है, ये हल्का सा येलो टोन दे रहा है, वो थोड़ा सा ऑरेंज टोन देख रहा है, तो इसका भी जुगाड़ निकाल लेंगे। पहले अब इनको अच्छे से फिक्स कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको फाइनल आउटपुट दिखाता हूँ। सो गाइस यहाँ पे हजार्ड को छोड़ के सारी वायरिंग हम लोगों ने कर दिया, अब एक बार आप लोगों को आउटपुट दिखा देते हैं। ये हमने कर दिया ऑन, यहाँ पर ये हो गया है, एंड सेकंड वाला यहाँ पर। एक बार वापस उधर का लगाना, परफेक्ट। तो अब हमने जो वहाँ से हैजार्ड की वायरिंग निकाली हुई है उसका स्विच हम इंस्टॉल कर लेते हैं, साथ ही में इस पूरे सेटअप को भी इजीली फिक्स कर लेते हैं, उसके बाद आपको फाइनल आउटपुट दिखाता हूँ। सो गाइज ऐसा कुछ फाइनल आउटपुट आपको देखने को मिलेगा विंग्स वाले मिरर लगने के बाद में जो कि LEDs के साथ में आते हैं। प्लस मैं पहले मेंशन करना भूल गया था कि ये पूरे के पूरे 180 डिग्री मुड़ जाते हैं। मिरर को टोटल इस तरीके से भी घुमा सकते हैं और साथ ही में इस तरीके से भी घुमा सकते हैं पीछे वाला व्यू देखने के लिए। और अगर राइडर के POV की बात करें तो वो आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से विंग्स लगने के बाद में, और अगर हम इसको मिरर वाले मोड में डाल देते हैं तो कुछ कुछ ऐसा, जिसमें विजिबिलिटी तो ऑलमोस्ट ना के बराबर ही है, बट स्टिल थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाएगा कि पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है। बाकी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। दूसरा, परफेक्ट। ऑल्सो गाइस मिरर्स की प्राइजेस हमको पड़ी है सेल में 1000 रुपीज की, प्लस हैजार्ड और जितना भी लेबर बनता है उस अकॉर्डिंग 400-500 रुपीज एक्स्ट्रा। सो गाइस इसी टाइप की मॉडिफिकेशन के लिए आप आ सकते हैं PZ बाइकर्स पॉइंट पे।